Happy birthday, dear Kula. Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता था कि मेरा बर्थडे था 21 सितंबर को, तो मैंने सेलिब्रेट भी किया हर जगह। कॉलेज में मैं मिठाई देके चली गई थी उस दिन, पर उसके बाद टीचर्स और सभी बच्चों ने डिस्कस किया आपस में और इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। मतलब मुझे आज इतनी खुशी हो रही है, जैसे मैं आज कॉलेज में क्लास लगाए, फिर मैं लाइब्रेरी में बैठती, मुझे कॉल आती है, पूछा यहाँ आओ, और मैंने सोचा ऐसे क्लास के लिए बुला रहे होंगे, बट नहीं, ये लोग केक लेके आए हैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे इतनी अच्छी क्लास मिली, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं। दोस्तों, सच में मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं कॉलेज में हूँ, वहाँ पर हमारे कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग है और नई न्यू बिल्डिंग में मैं अभी हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्लास में। वैसे कॉलेज स्टूडेंट है तो उतना ज़्यादा हम डेकोरेशन तो नहीं किया है सब लोगों ने, बट बहुत प्यार है। मतलब ये केक लेके आए, सरप्राइज़ मिले, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो भी सकता है। तो अभी मैं आपको क्लास में लेके चलती हूँ, इन लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट किया मैं आपको दिखाऊंगी, और मेरी क्लास भी, चलो बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, ये हमारा क्लास रूम, ये रखा है हमने केक, तो आप देख सकते हैं ये केक लेके आए अभी तक। अब तक हम टीचर्स का वेट कर रहे हैं सारे, फिर जैसे वो आएंगे तो उसका कट ऑफ करेंगे। और ये बाकी सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्लास में, तो बस टीचर्स का वेट है गाइस। तो आप लोग आज मेरे ब्लॉग में बने रहना, आज का मेरा ब्लॉग यहीं से शुरू होता है। देखते हैं हम कैसे केक काटते, क्या टीचर्स बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कैसे, तो सब कुछ। तो आप लोग बस मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है कसम से। चलो गाइस, अब टीचर्स का वेट कर रहे थे, जैसे वो आते हैं तो आगे के ब्लॉग भी आपको दिखाते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं ये है मेरा बर्थडे केक जिस पर लिखा हुआ है मिस पूजा, ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ये लोग कुछ खाने पीने के लिए सामान भी लाए हैं, और ये है मेरा रिंग जिसे पहन के मैं काटने वाली हूँ केक। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये मेरी प्यारी क्लासमेट भावना जी, ये पूरी तैयारी में लगी हुई है, हाँ, केक की पूरी डेकोरेशन करने में लगी हुई है। तो मैं भावना के पास गई, मैंने बोला भावना एक बार केक दिखाओ। तो भावना बोलती है देखो मैंने अपनी पसंद का केक लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बोला क्यों नहीं, ज़रूर, मुझे बहुत पसंद आया है आपका ये केक। और इसी के साथ अब भावना जी मोमबत्ती जलाने में लग गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में आ रहे हैं हमारे सर, और देख सकते हैं अब सर आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं केक कटिंग प्रोसेस। तो गाइस, फाइनली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट बार मतलब ऐसा हुआ है मेरे लिए, तो मतलब नया ही था, तो इसलिए थोड़ी इमोशनल हो गई। बट आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से सर और मेरे सभी क्लास में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाकी चलो, इमोशनल तो मैं हुई हूँ ना, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, बाय। मुझे ज़्यादा ही रोना आ रहा है।